वेलकम स्टूडेंट्स टू आर सिक्स्थ लेक्चर पार्ट वन, जहां हम सेकंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी एलिवेशनिंग बॉइलिंग पॉइंट पढ़ेंगे। आई होप तुमने लास्ट सिक्स लेक्चर्स देखे होंगे, जहां हमने लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर देखा था। नाउ व्हेन आई एम टॉकिंग ऑफ द नेक्स्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, दिस एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द फर्स्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, दैट इज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के ऊपर डिपेंडेंट, अगर वो कंसेप्ट समझ में आएगा तो फिर ये कंसेप्ट समझ में आएगा। तो बिफोर दैट लेट्स रिवाइज व्हाट वाज़ दी लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कंसेप्ट। सपोज मेरे पास एक प्योर सॉल्वेंट है, सपोज आई हैव अ प्योर सॉल्वेंट। अगर मैं उस प्योर सॉल्वेंट में एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, इफ आई एड अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट टू प्योर सॉल्वेंट, और जब वो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्योर सॉल्वेंट के साथ जाके मिक्स हो जाएगा और क्या बनाएगा, इट विल प्रोड्यूस सॉल्यूशन। Then I will observe that there is a lowering in vapor pressure of solution. Solution की vapor pressure कम होती है जब मैं एक non-volatile solute डालता हूँ। Example, अगर suppose मेरे पास acetone है, तो जब acetone की बात करता हूँ तो acetone basically pure solvent है, और acetone मतलब nail polish remover, मतलब highly volatile, मतलब ये easily vaporize होता है, right? Easily vaporize होता है। लेकिन अगर मैं इसके अंदर sugar या salt, sugar या यूरिया डालता हूँ, तो फिर क्या होगा, द मोमेंट आई एड शुगर और यूरिया इन दिस एसीटोन सॉल्यूशन, एसिड प्योर सॉल्वेंट, देन द सॉल्यूशन विल एक्सपीरियंस ए ड्रॉप इन वेपर प्रेशर। मतलब ये जो सॉल्यूशन है एसीटोन का, एसीटोन की उड़ने की जो पावर है या वोलेटिलिटी है वो डिक्रीज होगी। क्यों डिक्रीज होगी, क्योंकि जैसे मैंने शुगर डाला तो इनिशियली एसीटोन सब सरफेस ऑक्यूपाई कर रहा था, राइट? तो सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स थे वो सब एसीटोन के मॉलिक्यूल्स थे, तो इजीली वेपराइज हो रहे थे। लेकिन जब मैंने शुगर या यूरिया डाला तो कुछ सरफेस एरिया शुगर मॉलिक्यूल्स ने भी या यूरिया मॉलिक्यूल्स ने भी ऑक्यूपाई किया, तो इससे क्या हुआ, कुछ एसीटोन मॉलिक्यूल्स नीचे आ गए तो क्या होगा, ऑब्वियसली वो फेस चेंज कर पाएंगे, वो फेस चेंज नहीं कर पाएंगे, एंड देन वी विल एक्सपीरियंस ए ड्रॉप इन प्रेशर, वी विल एक्सपीरियंस अ ड्रॉप इन वेपर प्रेशर। दिस ड्रॉप इन वेपर प्रेशर वॉज कॉल्ड एज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। दिस ड्रॉप इन वेपर प्रेशर वॉज कॉल्ड एज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। एंड वी हमने प्रूव किया था दैट दिस लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इसको हम कैसे लिखते थे, हम लोग लिखते थे डेल्टा पी, दैट इज इक्वल टू पी वन नॉट माइनस पी, वेयर पी वन नॉट इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, एंड पी एस इज द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, एंड पी एस इज द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। एंड बाद में हमने प्रूव किया था दैट दिस डेल्टा पी वॉज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स टू, एक्स टू मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट मतलब हमने क्या प्रूव किया कि वो पर्टिकुलर लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी था। तो डेफिनेशन की सबसे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर दोस प्रॉपर्टीज हुज वैल्यू डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, नंबर मतलब जितना ज्यादा सॉल्यूट होगा उतना ज्यादा वो प्रॉपर्टी होगा, तो हमने ये प्रूव किया था। अब हम देखते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो लेट्स सी व्हाट इज दिस एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। नाउ दिस प्रॉपर्टी आल्सो रिलेटेड टू द सेम लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, तो वो कंसेप्ट अभी हमने देख लिया। अब हम देखते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या है। सपोज मेरे पास एक प्योर सॉल्वेंट है, तो उस प्योर सॉल्वेंट के अंदर मैं एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालता हूं। The moment I add non-volatile solute to pure solvent, I will observe that there is an elevation in boiling point of solution. जैसे मैं एक non-volatile solute, जैसे sugar या urea, किसी solvent के अंदर, let's say that solvent is water now. अगर मैं पानी के अंदर sugar या salt डालता हूं तो क्या होगा, जो solution बनेगा उस solution का boiling point increase होगा, अब जब मैं बात करता हूं pure water की, तो प्योर वाटर की बॉइलिंग पॉइंट कितनी होती है, इट इज 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जैसे मैं शुगर या यूरिया या ग्लूकोज पानी के अंदर डालता हूं, आई विल ऑब्जर्व दैट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मतलब शुगर प्लस वाटर, ये मेरा सॉल्यूशन है, राइट? शुगर प्लस वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होगा। प्रोबेबली दैट टेम्परेचर वुड बी अराउंड 100.5 और 101 डिग्रीज, ऐसा कुछ होगा। तो क्वेश्चन ये है, सॉल्यूशन की
बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज क्यों होती है, सोल्यूशन की बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज क्यों होती है जब मैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्योर सॉल्वेंट के अंदर डालता हूं, राइट? कंसेप्ट उसके जैसा ही है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर जैसा ही, लेकिन वहां हम वेपर प्रेशर देते थे, जहां ड्रॉप होता था, क्या होता था, सोल्यूशन का वेपर प्रेशर ड्रॉप होता था। यहां क्या हो रहा है, इस सोल्यूशन की वेपर प्रेशर इंक्रीज हो रही, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रही है, सोल्यूशन की बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रही है, तो वाई देयर इज एन इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, ये क्वेश्चन है, वाई देयर इज एन इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट, ये क्वेश्चन है हमारा कि वो इंक्रीज क्यों हो रहा है। अब थोड़े देर के लिए सोचो कि ऐसा क्या हो रहा होगा कि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है सोल्यूशन का, तो सबसे पहले डेफिनेशन समझते हैं बॉइलिंग पॉइंट का। अब बचपन में नाइन टेंथ में तुमने बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन देखा होगा ना, कि बॉइलिंग पॉइंट मतलब लिक्विड बॉइल्स व्हेन इट चेंजेस फेस फ्रॉम लिक्विड टू गैस, लिक्विड से गैस में जब पर्टिकुलर चीज चेंज होती है तो हम उस फिनोमेनन को बॉइलिंग बोलते हैं, राइट? लेकिन यहां हमें टेक्निकल डेफिनेशन देखनी है बॉइलिंग पॉइंट की। तो जब मैं बात करता हूं बॉइलिंग पॉइंट, उस बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन क्या है पहले वो देखते हैं, और उसके बाद में तुम्हें समझाता हूं कि ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्यों होता है सोल्यूशन के अंदर, व्हाई देयर इज एन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो लेट्स सी व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या है वो समझते हैं, डेफिनेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ये तुम्हें नोट करना है, डेफिनेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो एज पर द टेक्निकल डेफिनेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, इट इज द टेम्परेचर, इट इज द टेम्परेचर एट विच, इट इज द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, इट इज द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इक्वल्स द वेपर प्रेशर ऑफ गैस, ब्रैकेट में वेपर, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इक्वल्स द वेपर प्रेशर ऑफ गैस, और एक्सटर्नल प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या है डेफिनेशन, इट इज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इक्वल्स द वेपर प्रेशर ऑफ गैस और एक्सटर्नल प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये टेक्निकल डेफिनेशन है। अभी डेफिनेशन क्या बोलता है इसको मैं समझाता हूं, पहले तो मैं चाहता हूं तुम ये डेफिनेशन नोट करो, इट इज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इक्वल्स, बहुत सारे बुक में लिखा होता है इक्वल्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर। तो ये डिपेंड करेगा कि हम कहां खड़े हैं, अगर हम अर्थ पे खड़े हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अगर हम जुपिटर पे खड़े हैं तो जुपिटर में वन एटमॉस्फेयर नहीं होता है, वहां थाउजेंड्स ऑफ एटमॉस्फेयर होगा, राइट? तो वहां कुछ अलग होगा, अगर मैं मून पे हूं तो मून पे कोई प्रेशर नहीं है, गैस नहीं है, एटमॉस्फेयर नहीं है, तो फिर वहां वैक्यूम होगा, राइट? तो वहां बॉइलिंग कुछ अलग होगा, वहां रूम टेम्परेचर पे ही वाटर बॉइल हो जाएगा, रूम टेम्परेचर पे ही वाटर बॉइल हो जाएगा। मतलब जैसे तुमने वाटर सरफेस पे लेके गए मून के ऊपर, वो दैट विल स्टार्ट टू बॉइल, क्योंकि वहां एक्सटर्नल प्रेशर है ही नहीं, तो तुरंत बॉइल हो जाएगा वो। अर्थ पे रूम टेम्परेचर पे बॉइल होगा क्या, नहीं होगा, 25 डिग्री सेल्सियस पे बॉइल नहीं होगा। तो अभी मैं समझाता हूं बेसिकली ये डेफिनेशन क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है ये। तो मानो मेरे पास पानी है प्योर, आई हैव प्योर वाटर, तो प्योर वाटर कितने पे बॉइल होता है हमें पता है, 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये 100 डिग्री सेल्सियस पे एक्चुअली होता क्या है, डेफिनेशन के हिसाब से मानो अगर मैं ये रूम के अंदर अर्थ पे सरफेस के, अर्थ के सरफेस के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, मैं पानी को गर्म कर रहा हूं, तो जब मैं पानी को गर्म करता हूं इनिशियली वाटर की कुछ वेपर प्रेशर होगा, लिक्विड होगा ना, लिक्विड वाटर होगा, तो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड वाटर कुछ तो वैल्यू होगा, राइट? अब हमें पता है कि 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉइल होता है, तो जब वाटर बॉइल होगा तो क्या होगा, वेपराइज हो जाएगा, तो वाटर वेपर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब डेफिनेशन क्या बोलता है, ये लिक्विड फेस चेंज कब करेगा, ये लिक्विड गैस में कब कन्वर्ट होगा और किस टेम्परेचर पे होगा, ये हमें पता है। अगर पानी होगा तो 100 डिग्री सेल्सियस पे वो वेपर क्या बोलते हैं, वो वेपर फेस के अंदर चेंज हो जाएगा, लिक्विड वाटर वेपर फेस में चेंज हो जाएगा, कौन से टेम्परेचर पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो डेफिनेशन के हिसाब से वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड वाटर, जब वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड वाटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर होगा,
एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर होगा जब इस लिक्विड वाटर का प्रेशर बाहर के प्रेशर का इक्वल करेगा, तो ये वाटर फेज चेंज कर देगा। अब तुम मुझे बताओ, नॉर्मल सरफेस पे हमारे घर के अंदर एटमॉस्फेयर का प्रेशर क्या होता है? एटमॉस्फेयर का प्रेशर क्या होता है? 1 एटमॉस्फेयर। इसका मतलब जब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर, जब वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड वाटर का प्रेशर भी 1 एटमॉस्फेयर होता है, तो क्या होगा? पानी फेस चेंज कर देगा। जब पानी की वेपर प्रेशर, लिक्विड वाटर की वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर हो जाएगी अर्थ के सरफेस पे, तो ये पानी इवोपरेट हो जाएगा और वेपराइज हो जाएगा, वो गैसियस फेज चेंज, गैसियस फेज में कन्वर्ट हो जाएगा। आई होप ये डेफिनेशन समझ में आएगा। और उस पर्टिकुलर फिनोमिनन पे जब ये बॉइलिंग होता है, उस पे टेम्परेचर क्या होगा? उस पे टेम्परेचर हम ऑब्जर्व करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस। उस पे हम ऑब्जर्व क्या करते हैं? 100 डिग्री सेल्सियस। इसलिए पानी का जब टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होता है, तब पानी की जो प्रेशर है, लिक्विड वाटर की जो प्रेशर है, वही बाहर की प्रेशर है। दोनों की प्रेशर सेम हो जाती है तो वो फेज चेंज कर लेता है। वो दोनों की जब प्रेशर सेम हो जाती है तो ये पानी फेज चेंज कर देगा। समझ में? ये डेफिनेशन है बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन, दैट इट इज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड वाटर इज इक्वल टू आउटसाइड प्रेशर मतलब एक्सटर्नल प्रेशर। तो अगर मैं बात कर रहा हूं अर्थ पे, तो वो एटमोस्फेरिक प्रेशर होगा, मतलब 1 एटमोस्फेयर होगा। लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूं मून पे, तो मून पे कोई गैस है क्या? मून पे कोई गैस नहीं है। अगर मून पे कोई गैस नहीं है तो रूम टेम्परेचर पे ही, मतलब जैसे तुमने कंटेनर में मतलब अभी एटमोस्फेयर लाइक स्पेसशिप के अंदर कोई जा रहा होगा, तो ऑब्वियसली वहां टेम्परेचर कितना मेंटेन रखोगे? 25-30 डिग्री सेल्सियस मेंटेन रखोगे ना। तो 25-30 डिग्री सेल्सियस पे ही जैसे तुम मून के ऊपर जाओगे, स्पेसशिप के मानो बाहर आ गए तुम, तो अज्यूमिंग की बाहर का एक्सटर्नल टेम्परेचर नॉर्मल जैसा है, मतलब वहां कोई फ्रीजिंग पॉइंट नहीं है, बहुत कम टेम्परेचर नहीं है। लाइक अगर एवरेज सर्फेस टेम्परेचर ऑफ मून इन दी डे देखोगे तो मोर देन 120 डिग्री सेल्सियस है। अगर नाइट पे जाओगे तो -180 डिग्री सेल्सियस होता है। तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। मानो तुम स्पेसशिप के अंदर बैठे हो और तुमने तुरंत एक वेसल लेके बाहर गए, तो जैसे तुम बाहर जाओगे तुम देखोगे कि पानी तुरंत उबलना हो जाएगा, कंटेनर के अंदर उबलना शुरू कर देगा। मतलब वो वेसल तो क्लोज होगा लेकिन पानी उबलना शुरू कर देगा। क्यों सरफेस पे बॉयल होगा? क्योंकि बाहर तो प्रेशर ही नहीं है। बाहर प्रेशर नहीं है तो फिर जैसे तुमने कंटेनर ओपन किया, तुम देखोगे पानी तुरंत इवोपरेट होके चला गया। समझ रहे हो? सिमिलरली अगर तुम जुपिटर पे गए, अब जुपिटर पे देखोगे पानी का प्रेशर, तो क्या पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे जुपिटर पे बॉइल होगा? ये क्वेश्चन है मेरा। तो क्वेश्चन है नहीं होगा, क्योंकि जुपिटर के बाहर जो प्रेशर है दैट इज इन द एक्सेस ऑफ 10,000 एटमॉस्फेयर्स। मतलब जब ये पानी का प्रेशर 10,000 एटमॉस्फेयर के बराबर हो जाएगा तब वो वाटर बॉइल होगा। तो क्या 100 डिग्री सेल्सियस पे होगा? नहीं, हमें पता 100 डिग्री सेल्सियस पे तो प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर होता है। मतलब वहां प्रोबेबली पानी 1,000 या 2,000 या 3,000 डिग्री सेल्सियस पे पानी वेपराइज होगा। इसका डेटा नहीं मेरे पास, लेकिन मैं अंदाजा लगा रहा हूं कि सिंस बाहर प्रेशर ज्यादा है तो उसकी बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगी, उस पर्टिकुलर चीज की बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगी। आई होप ये कंसेप्ट समझ में आया तुम्हें। तो बेसिकली जब मैं बॉइलिंग पॉइंट बोलता हूँ, 9th-10th में तुमने सिर्फ पढ़ा था कि वो वेपराइज हो जाएगा, लेकिन अभी टेक्निकल डेफिनेशन हम पढ़ रहे हैं दैट बॉइलिंग पॉइंट इज नथिंग बट टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इक्वल्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो बाहर का प्रेशर है उसके बराबर अगर लिक्विड का प्रेशर हो जाएगा तो फिर लिक्विड बॉइल हो जाएगा, लिक्विड फेज चेंज कर देगा, वो लिक्विड से गैस बन जाएगा। समझ में? तो ये डेफिनेशन है बॉइलिंग पॉइंट का। अब हम हमारे ओरिजिनल प्रॉब्लम पे आते हैं कि व्हाई देयर इज एन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, व्हाई देयर इज एन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज क्यों होती है, अभी हमें वो देखना है। अभी तो इंक्रीज क्यों होती है वो देखनी है। तो वापस अज्यूमिंग तुम्हें समझ में आया बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन, तो फिर पानी है, उस पानी के अंदर मैं शुगर डालता हूं और इसको हीट करता हूं। तो इनिशियली जब मेरे पास पानी है तो पानी कितने डिग्री सेल्सियस पे बॉइल होता है? 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉइल्स, प्योर वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। हमें पता ही है कि प्योर वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉइल होता है। लेकिन जैसे मैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालता हूं, पानी के अंदर क्या होगा? हमने देखा है whenever we add a non-volatile solute to pure solvent, हम क्या देखते हैं? there is lowering in vapor pressure of
सॉल्यूशन, मतलब जैसे मैंने शुगर पानी के अंदर डाला क्या होगा, उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। अब तुम मुझे बताओ, अगर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाएगा तो फिर क्या 100 डिग्री सेल्सियस पे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड मतलब जो हमारा सॉल्यूशन है उसकी प्रेशर और बाहर का प्रेशर सेम होगा क्या? देखो मैं क्या पूछ रहा हूं, अगर मेरे पास प्योर पानी है उसके अंदर मैं शुगर डालता हूं, जब मैं शुगर डालूंगा पानी के अंदर तो हमें पता है देयर विल बी लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, मतलब ये जो सॉल्यूशन है जिसमें शुगर और वाटर है, जिसमें शुगर और पानी है, उस सॉल्यूशन का प्रेशर कम हो रहा है। तो तुम मुझे बताओ 100 डिग्री सेल्सियस पे ये सॉल्यूशन बॉइल होगा? आंसर इज नो। 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉइल इसलिए नहीं होगा क्योंकि इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो चुका है, जब प्योर पानी था तब वो बॉइल हो रहा था क्योंकि उसके अंदर कोई लोअरिंग इन वेपर प्रेशर नहीं था, तो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड और बाहर का प्रेशर सेम था। लेकिन जैसे मैंने इसके अंदर शुगर डाला तो क्या होगा, ये जो कंटेनर है जिसके अंदर ये सॉल्यूशन रखा है उसकी वेपर प्रेशर कम हुई, तो बाहर का प्रेशर कितना है, ओवर एटमॉस्फेयर, और अभी इसका प्रेशर कितना हुआ होगा, 0.96 ऐसा कुछ हुआ होगा, देयर इज अ लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ना, तो क्या वो बॉइल होगा? नहीं होगा। अगर बॉइल नहीं होगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे और हीट देना पड़ेगा, तो मैं इसको और हीट करता हूं, द मोमेंट आई सप्लाई मोर हीट टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन विल इंक्रीज, तो प्रोबेबली ये 100 डिग्री सेल्सियस से 100.5 डिग्री सेल्सियस होगा। तो इस एक्स्ट्रा हीट से क्या हुआ, सॉल्यूशन की बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हुई, और ये सॉल्यूशन कब बॉइल होगा फिर, जब जिसे एग्जांपल में अज्यूम करता हूं कि 100.5 डिग्री सेल्सियस उसने अटेंड कर लिया, जैसे 100.5 डिग्री सेल्सियस अटेंड कर लेगा क्या होगा, वाटर अभी फेस चेंज करेगा, मतलब मुझे एक्स्ट्रा हीट सप्लाई करना पड़ा था, जो लोअरिंग वेपर प्रेशर था उसको अकोमोडेट, उसको कॉम्पनसेट करने के लिए मुझे और ज्यादा हीट देना पड़ा, सच दैट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब बाहर जो हमने रखा है बाहर का जो प्रेशर है उसको सॉल्यूशन के बराबर करना है, तो मुझे और हीट देना पड़ा, एंड दिस रिजल्टेड इन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इससे क्या हुआ, सॉल्यूशन की बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हुई। आई होप तुम्हें ये कंसेप्ट समझ में, बहुत आसान कंसेप्ट है कि जब मैं कोई सॉल्वेंट के अंदर, प्योर सॉल्वेंट के अंदर डालता हूं तो हम ऑब्जर्व करते हैं देयर इज अ लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जब सॉल्यूशन की वेपर प्रेशर कम हुई तो क्या वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉइल होगा, पानी नहीं होगा, क्योंकि डेफिनेशन के हिसाब से बॉइलिंग पॉइंट क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बाहर के प्रेशर के बराबर होना चाहिए। अब हमें पता है कि लिक्विड का प्रेशर कम हो चुका है, मतलब जो सॉल्यूशन बना है उसका वेपर प्रेशर कम हुआ है, और बाहर का प्रेशर तो एडवर एटमॉस्फेयर ही रहेगा, तो दोनों को इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे और ज्यादा हीट देना पड़ेगा, जैसे मैं और ज्यादा हीट दूंगा तो क्या होगा, इसकी बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगी 100 से 100.5, जब 100.5 हो जाएगा तो क्या देखोगे तुम कि ये सॉल्यूशन फेस चेंज कर रहा है, मतलब वो बॉइल हो रहा है। और ये फेनोमेनन क्यों हुआ, क्योंकि हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला था, एंड देयरफॉर दिस इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि ये फेनोमेनन शुगर के एडिशन के बाद हुआ, मतलब सॉल्यूट डालने के बाद हुआ, इसलिए ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, एंड वी ऑब्जर्व एन इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट। समझ में, इतना आसान कंसेप्ट है। तो अब इसको मैथमेटिकल, इसको अगर देखना है ग्राफिकल फॉर्म में तो हम इसको ग्राफिकल फॉर्म में भी देख सकते हैं, जैसे मैं प्लॉट करता हूं ग्राफ ऑफ वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर, मैं क्या करता हूं, ग्राफ प्लॉट करता हूं वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का, तो मानो ये सॉल्वेंट का ग्राफ है, किसका ग्राफ है, सॉल्वेंट का, तो मैं जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करता हूं इसकी वेपर प्रेशर इंक्रीज हो रही, ऐसे रीड करना है, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा वेपर प्रेशर इंक्रीज हो रही, मानो कि ये एक्सिस पे ये वाला जो पॉइंट है वो मेरा 760 mmHg है, 760 mmHg मतलब 1 atmosphere है, तो 1 atmosphere पे एक करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर होगा, लेट्स से द टेम्परेचर ऑफ प्योर वाटर, ये क्या है, सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट मतलब मेरा पानी है, तो सॉल्वेंट है बराबर, अगर ये मेरा सॉल्वेंट है तो मतलब एज्यूम करो कि वो प्योर वाटर है, सॉल्वेंट, तो लेट्स से अब मैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट को लिखता हूं टीबी नॉट बराबर, अब सॉल्यूशन का ग्राफ प्लॉट करता हूं, सॉल्यूशन का ग्राफ प्लॉट करूंगा तो कैसा होगा, वो ऐसा होगा, तो तुम देखोगे कि ये सॉल्यूशन का है, ये सॉल्यूशन का ग्राफ है, तो जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है तुम देखोगे अभी वापस 760 mmHg पे क्या होगा, ये टीबी है, ये टीबी है मतलब टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन,
टीबी नॉट मतलब, टीबी नॉट मतलब प्योर सॉल्वेंट पानी का, और सोल्यूशन मतलब सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट। तो क्या हुआ तुम देखोगे, क्या देखोगे तुम देखोगे कि इनिशियली ये ग्राफ इतना है, लेकिन जब मैंने सोल्यूशन के लिए बनाया तो ग्राफ और आगे जा रहा है। ये जो डिफरेंस देख रहे हो यहां से यहां, ये जो एक्स्ट्रा है, इतनी अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करनी पड़ेगी मुझे, एंड दिस एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट विल लीड टू इंक्रीज इन टेम्परेचर। इसको मैं डिनोट कर सकता हूं एज डेल्टा टीबी। ये जो लाइन दिख रहा है तुम्हें, ये जो दिख रहा है तुम्हें, ये वाला है हमारा डेल्टा टीबी। क्या है हमारा डेल्टा टीबी, और दिस डेल्टा टीबी इज कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। दिस डेल्टा टीबी इज कॉल्ड एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब क्या तुम ग्राफ से बता सकते हो डेल्टा टीबी क्या होगा? ऑब्वियसली डेल्टा टीबी क्या होगा, डेल्टा टीबी वुड बी टीबी माइनस टीबी नॉट। डेल्टा टीबी क्या होगा, टीबी माइनस टीबी नॉट, वेयर टीबी इज टेम्परेचर ऑफ सोल्यूशन माइनस टीबी नॉट। टीबी नॉट मतलब टेम्परेचर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ऑब्वियसली टेम्परेचर ऑफ सोल्यूशन विल बी ग्रेटर देन टेम्परेचर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो फॉर्मूला क्या है, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू टीबी माइनस टीबी नॉट, वेयर टीबी इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सोल्यूशन एंड टीबी नॉट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। टीबी नॉट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। समझ में? तो ये है कंसेप्ट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का। आई होप तुम्हें समझ में आया, बहुत आसान कंसेप्ट है ये, ग्राफ याद रखना है। एक्स्ट्रा जो टेम्परेचर हमने दिया वो कितनी है, ग्राफ यहां से यहां मूव हुआ तो ये जो एक्स्ट्रा है इसको हम डेल्टा टीबी बोलते हैं, और डेल्टा टीबी का डेफिनेशन क्या है, टीबी माइनस टीबी नॉट। याद रखना है डेल्टा टीबी चेंज इन टेम्परेचर है, चेंज इन टेम्परेचर है मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, तो वो हमेशा पॉजिटिव होगा, वो नेगेटिव नहीं होगा। तो कभी कभी बच्चे क्या करते हैं फॉर्मूला उल्टा लिखते हैं, टीबी नॉट माइनस टीबी लिखते हैं, लेकिन याद रखना है न्यूमेरिकल जब सॉल्व करोगे तो डेल्टा टीबी हमेशा पॉजिटिव रहता है, वो नेगेटिव नहीं होगा। मतलब जो बड़ा वाला नंबर होगा वो पहले आएगा, बड़ा वाला नंबर मतलब टेम्परेचर ऑफ सोल्यूशन, टेम्परेचर ऑफ सोल्यूशन। ऑब्वियसली देयर इज एन एलिवेशन, एलिवेशन मतलब इंक्रीज होना, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। आई होप तुम्हें समझ में आया। अब आगे देखते हैं आगे क्या है ये, तो मैं इसको एक बार वापस लिखता हूं क्योंकि थोड़ा मिक्सअप हो गया, मतलब बहुत सारा कंटेंट था बोर्ड पे, तो वापस लिखता हूं मैं। टीबी क्या है, डेल्टा टीबी इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। डेल्टा टीबी इज इक्वल टू टीबी माइनस टीबी नॉट, वेयर टीबी इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, एंड टीबी नॉट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। नॉट है ना मतलब प्योर सॉल्वेंट, टीबी नॉट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो ये नोट करना है तुम्हें, ये तुम्हें नोट करना है, डेल्टा टीबी इज टीबी माइनस टीबी नॉट, मतलब जब हम एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करते हैं प्योर सॉल्वेंट के अंदर, देयर इज एन इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, देयर इज एन इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, राइट? आई होप तुम्हें समझ में आया। अब हम आगे देखते हैं, जब हम बात करते हैं सोल्यूशन थर्मोडायनेमिक्स की, तो इसका डेरिवेशन तुम्हारे टेक्स्ट बुक के अंदर नहीं है, डायरेक्ट जब हम थर्मोडायनेमिक्स लगाते हैं ऐसे सोल्यूशन पे तो हमें एक ऑब्जर्वेशन मिलता है दैट दिस डेल्टा टीबी इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। क्या है ये, कहां से आया, दिस कम्स फ्रॉम सोल्यूशन थर्मोडायनेमिक्स। अब सोल्यूशन थर्मोडायनेमिक्स तुम्हें अभी नहीं आएगा, वो इंजीनियरिंग में आएगा तुम्हें, तो ये कंसेप्ट डायरेक्टली दिया हुआ है। ऐसे याद रखो, एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड दैट डेल्टा टीबी इज प्रोपोर्शनल टू एम, डेल्टा टीबी इज प्रोपोर्शनल टू एम, समझ रहे हो, वेयर एम इज मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन, एम इज मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन। तो डेल्टा टीबी अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी साइन रिमूव करता हूं दैट विल बी इक्वल टू केबी इंटू एम, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एम, वेयर केबी इज कॉल्ड मोलाल एलिवेशन कॉन्स्टेंट। क्या नाम है, मोलाल एलिवेशन कॉन्स्टेंट, और एबुलियोस्कोपिक कॉन्स्टेंट,
क्या नाम है इसका? एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट, एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। एंड दिस साइंस ये होल साइंस को हम बोलते हैं एबुलियोस्कोपी, एबुलियोस्कोपी। इस पूरे साइंस को हम क्या बोलते हैं? एबुलियोस्कोपी। ये साइंस हम यूज करते हैं किसी भी चीज की मॉलिक्यूलर वेट को पता करना है। अगर तुम्हें किसी चीज की मॉलिक्यूलर वेट को पता करना है, मानो तुमने कोई नई ड्रग बनाई है मार्केट के अंदर, कोई नई दवा बनाई है या कोई नया कंपाउंड बनाया है तुम्हें, उसकी मोलर मास पता करनी है, तो हम क्या करते हैं? हम ये साइंस यूज करते हैं और इस साइंस को यूज करके हम उसकी मॉलिक्यूलर वेट पता करते हैं। उस साइंस को हम बोलते हैं एबुलियोस्कोपी। अगर तुमने एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट का कांसेप्ट यूज किया तो हम उसको बोलते हैं एबुलियोस्कोपी। और ये जो के बी है इसको हम बोलते हैं मोलर एलिवेशन कांस्टेंट और एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट, राइट। तो ये फॉर्मूला याद रखना है तुम्हें, द डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम, वेर के बी इज मोलर एलिवेशन कांस्टेंट और एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। ये कहां से आया? ये सॉल्यूशन थर्मोडायनेमिक्स से आता है। तुम्हारे टेक्स्ट बुक में नहीं दिया हुआ है, वो जब इंजीनियरिंग में जाओगे तो पता चलेगा। ऐसे याद रखो कि एक्सपेरिमेंट से आया, डायरेक्टली एक्सपेरिमेंट से रिजल्ट आया, तो एक डेरिवेशन तुम्हारे लिए कम है, तुम्हारे लिए लोड कम हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, हमें पता है मोलैलिटी क्या होता है। मोलैलिटी अभी हमने फॉर्मूला देखा था ना, तो हम इस फॉर्मूला को हम और ज्यादा डिटेल में भी लिख सकते हैं। जैसे डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम था ना, तो मैं लिख सकता हूं डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू मोलैलिटी। मोलैलिटी का डेफिनेशन क्या था? मोलैलिटी का डेफिनेशन था डब्ल्यू टू बाई एम टू इंटू थाउजेंड बाय डब्ल्यू वन इन ग्राम्स। तो ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू डब्ल्यू टू बाई एम टू इंटू थाउजेंड बाई डब्ल्यू वन, डब्ल्यू टू इज मास ऑफ सॉल्यूट, M2 is molar mass of solute, W1 is mass of solvent, solvent का वजन, solvent का वजन, और 1000 से मल्टीप्लाई करना अगर वो ग्राम्स में, केजीज में है तो 1000 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, राइट। और डेल्टा टीबी क्या था? डेल्टा टीबी था टीबी माइनस टीबी नॉट, टीबी माइनस टीबी नॉट, टीबी माइनस टीबी नॉट, वेर टीबी इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन एंड टीबी नॉट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ये फॉर्मूला रखना है। नेक्स्ट पार्ट में हमें इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स करने हैं, नेक्स्ट पार्ट में हमें इस पर्टिकुलर कंसेप्ट पे न्यूमेरिकल्स करने हैं, राइट। तो आई होप तुम्हें ये कंसेप्ट समझ में आया। बहुत आसान कंसेप्ट है कि जब मैं एक नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट प्योर सॉल्वेंट के अंदर डालता हूं तो हम ऑब्जर्व करते हैं दैट देयर इज एन इंक्रीज और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन इंक्रीजेस। क्यों? क्योंकि उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, प्योर सॉल्वेंट के टेम्परेचर पे वो चीज बॉइल नहीं हो पाती, तो मुझे और ज्यादा हीट देनी पड़ती है। जैसे मैं इंक्रीज और ज्यादा हीट देता हूं तो फिर क्या होगा? ऑब्वियसली उसकी बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्यूशन की बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगी। अब याद रखना एक चीज तुम्हारे लिए जेई में काम आएगा, जब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की बात करते ना तो ऐसा नहीं होगा कि 100 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर डायरेक्ट 110 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, नहीं, ये चेंज बहुत छोटा होता है। कितना चेंज होता है? प्रॉबेबली मैक्सिमम 1 डिग्री से 2 डिग्री, 1 डिग्री और 2 डिग्री भी बहुत ज्यादा हो गया, ये भी बहुत ज्यादा हो गया, समझ रहे हो? लेकिन एक अंदाज से, नहीं तो जब तुम न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तुम देखोगे एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट इतना ज्यादा नहीं, ज्यादा से ज्यादा सॉल्यूशन का टेम्परेचर कितना डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज होगा? 1 या 2 डिग्री से होगा, समझ रहे हो? तो आंसर जब लिखोगे तो दैट आंसर मस्ट मेक सेंस। ऐसा नहीं कि प्योर सॉल्वेंट का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाला तुमने और वो 120 हो गया, ऐसा नहीं होता है। 1 या 2 डिग्री से फर्क है, ज्यादा नहीं है। याद रखना है जितने भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज हम पढ़ते हैं दे आर ओनली एप्लीकेबल टू डाइल्यूट सॉल्यूशंस। अगर ये याद होगा हमने हेनरीज लॉ भी पढ़ा था, वहां भी मैंने बहुत अच्छी से बोला था, रेनॉल्ड्स लॉ बोला था, ये सभी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए लागू होते हैं। तो यहां भी याद रखना है जब न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे इसके ऊपर तो टेम्परेचर 10 डिग्री 20 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज नहीं होता है, मैक्सिमम 1 डिग्री से 2 डिग्री। जब तुम न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे वहां भी तुम देखोगे वैल्यू से पता चल जाएगा तुम्हें कि देयर इज नॉट एन अप्रिशिएबल इंक्रीज इन टेम्परेचर, मैक्सिमम देयर इज एन इंक्रीज ऑफ 1 डिग्री और 2 डिग्री सेल्सियस, राइट। तो ये था हमारा सेकंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट लेक्चर पार्ट टू के अंदर हम इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स देखेंगे, प्योरली बेस्ड ऑन एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो ये कंसेप्ट बहुत आसान है, मैं चाहता हूं एक बार तुम टेक्स्ट बुक पढ़ो, उसके बाद टेक्स्ट बुक में जो ग्राफ दिया वो देखो और जो चीज दिया वो देखो, उसके बाद ये वीडियो लेक्चर को चाहिए तो वापस देखो, और उसके बाद टेक्स्ट बुक के न्यूमेरिकल्स और असाइनमेंट डीपीपी 10 के जो डाले हैं मैंने क्वेश्चंस, उससे पहले मैं चाहता हूं कि तुम डीपीपी 10 के जो 1 से लेके 9 के क्वेश्चन है अब तक मुझे किसी ने सबमिट नहीं किए, जब तक मैंने लेक्चर बनाया तब तक मुझे किसी ने सबमिट नहीं किए थे,
तो वो मुझे सबमिट करना है, और दूसरी लोवरिंग इन वेपर प्रेशर के स्टेट बोर्ड के जो न्यूमेरिकल्स है वो मेरे को सिर्फ आदित्य ने सबमिट किए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि बाकी स्टूडेंट्स तुम भी सॉल्व करके मुझे सबमिट करो। तो ये हमारा लेक्चर 6 पार्ट 1 है, नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे।